तो आज हम कक्षा 11वीं में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत हम जो है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के 1950 के समय और 90 के बीच में क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश किस तरह से विकास किया उसके बारे में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभाव उदित हुआ था, जैसे 200 वर्षों से ब्रिटिश शासन के बाद हमने भाग्य के विधाता बन गए थे और राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था और स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी, केवल उन लोगों के लिए बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। इससे से जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु उसमें भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें कि उत्पादन में सभी साधन खेत और कारखाने सरकार स्वामित्व के अंतर्गत थे। फिर ऐसी कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए थी जिससे कि लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत में जैसे देश के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह नागरिकों के भूस्वामित्व प्रतिमानों की संपत्तियों के आधार पर होना चाहिए था। फिर नेहरू और स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों को मिलकर ने भारत के पूंजीवाद और समाजवाद की अतिवादी व्याख्या की किसी विकल्प की खोज की, जिसमें बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहमति थी फिर भी उन्होंने आर्थिक प्रणाली अपनाई जो विचार के समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं के युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। फिर यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रक और सशक्त क्षेत्रक होता है जिसके अंतर्गत निजी स्वामित्व क्षेत्रों में लोकतंत्र का भी स्थान होना चाहिए। फिर है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य होने चाहिए और पंचवर्षीय लक्ष्य ये थे कि समृद्धि करना, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, इन सबको अपनाना आवश्यक हो गया था। इसका अर्थ यह नहीं था कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। सीमित साधनों के कारण प्रत्येक योजना में से एक लक्ष्य का चयन करना पड़ता था जिससे प्राथमिकता दी जानी थी। हाँ, योजनाकारों ने यह सुनिश्चित करना होता है कि जिस जहाँ तक संभव चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध ना हो। तो हम इसमें देखेंगे कि लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास हम जब करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे समृद्धि। समृद्धि का अर्थ क्या है? देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसका अभिप्राय है उत्पादक पूंजी से अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार उत्पादक सेवाओं की दक्षता में वृद्धि कर सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में हम कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि के प्रमाणित सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि एक वर्ष की अवधि में देश में बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। फिर यहाँ पर केक मान, यदि हम GDP को एक केक मान लिया जाए समृद्धि का अर्थ, उसके कारण वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा होता है तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे और इसमें अधिक समृद्ध और विविधपूर्ण जीवन यापन करना होगा। उसी तरह से वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होता था, जैसे कृषि क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र के, सेवा क्षेत्र के। इन क्षेत्रों में योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, जिसमें कि स्वाभाविक है कृषि में अनाज का उत्पादन होगा, औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण होगा, सेवा क्षेत्र में जो लोग कार्य करेंगे। तो इस तरह से समृद्धि कृषि का योगदान अधिक होता है तो कुछ सेवा क्षेत्रों की वृद्धि इससे अधिक योगदान करती है। फिर हम देखेंगे आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में वस्तुओं सेवा को उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन को नई प्रौद्योगिकी को अपनानी पड़ती है। नए उत्पादन हमको अधिक से अधिक उत्पादन कैसे करना, जैसे किसान जो पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग करके कम समय में अधिक पैदावार करके उसमें उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से एक नई फैक्ट्री में नई मशीनों का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, आधुनिकीकरण को अपना सकते हैं। फिर आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक ही सीमित नहीं है बल्कि अक्सर अधिक सामाजिक दृष्टिकोण से भी परिवर्तन लाना आवश्यक है। फिर यहाँ पर देखेंगे जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है, जबकि आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं घर के बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालय आदि स्थानों पर भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने वाला समाज अधिकांश समृद्ध होता है। फिर देखेंगे हम आत्मनिर्भरता क्या है। आत्मनिर्भरता कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रों का आर्थिक संसाधन प्रयोग के द्वारा कर सकता है और हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया था, जिसका अर्थ यह था कि उन चीज़ों में आयात से बचा जाए जिससे कि देश में उत्पादन संभव है और नीति को विशेष कर खरीदें। इससे यह होगा कि हम जब आयात नहीं करेंगे तो हमारे देश में उस वस्तु का उत्पादन अधिक से अधिक होगा और विदेशी मुद्रा भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी और हमारे देश के लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।
फिर यहाँ पर ये देखें कि विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीति को विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता को बाधा डाल सकती थी। फिर हम देखेंगे समानता। समानता क्या है? केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता, बल्कि किसी देश में उच्च समृद्धि दर, विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद ही अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो सके, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहे। यह इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि धनी व्यक्ति और धनी ना हो, निर्धन व्यक्ति और निर्धन ना हो, इसलिए ये दोनों सभी लोगों तक यह सुलभ होना आवश्यक हो गया था। समृद्धि, आधुनिकीकरण के आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए था। धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। फिर देखेंगे कि कृषि। अब हमने अध्याय पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में समृद्धि हुई, फिर क्षमता रह गई, फिर उसमें विचार हमने पढ़ा कि कुछ सुधारों, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग करके हमने कृषि में एक क्रांति का संचार किया, जिसमें कि भू सुधार करके भी हमने, जिसमें जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था, ये खेतों में सुधार किए बिना ही मात्र लगान की वसूली किया करते थे, लेकिन बाद में इसमें उत्पादकता के कारण भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके अनाज के आयात करना पड़ता था। कृषि समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका ध्येय ये था कि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए, जिससे उद्देश्य यह था कि भूमि के स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी और पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए, और दशा समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा तक निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों के भू स्वामित्व के संकेतन को कम करना था। फिर बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि 200 लाख काश्तकारों सरकार से सीधा संपर्क हो गया, जिससे जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए और भू स्वामित्व के उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे यह हुआ कि किंतु बिचौलियों के उन्मूलन की समानता के लक्ष्य को पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई, जिसमें कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदार कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े भूखंडों को अपना स्वामित्व बनाए रखा और कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया। फिर इसमें भूस्वामी किसानों भूस्वामी होने का दावा किया। कृषि को भूस्वामित्व मिलने के बाद निर्धनतम कृषि श्रमिकों में जैसे बटाईदार भूमि श्रमिक को भी भूमि सुधारों को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर इसमें देखेंगे कि अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून से भी बाधाएं आई, जिसमें जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी, इसके कारण उन्हें लागू करने में देर भी हो गई थी। फिर कानून में अनेक कमियां थी, जिसके कारण बड़े जमींदार ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल में पश्चिम बंगाल सरकारें वास्तविक किसान भूमि देने की नीति के प्रतिबद्ध थी, इसी कारण प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम विशेष सफलता मिली, और दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों में सरकारों ने इस स्तर प्रतिबद्धता नहीं थी, अतएव आज तक जोतों की भारी असमानता बनी हुई है। फिर हम देखेंगे कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, जिसमें कि क्षेत्र की उत्पादकता बहुत कम थी क्योंकि प्रौद्योगिकी का प्रयोग कम किया जाता था, और जिसमें इसमें यह था कि नवीन प्रौद्योगिकी कम उपयोग किया जाता था, पुरानी का अधिक किया जाता था। इसमें अधिसंख्य किसानों के पास आधारित संरचना का भी नितांत अभाव था। कृषि मानसून पर निर्भर था, मानसून स्तर कम होता था, किसानों को कठिनाई होती थी, सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, किसानों को जो सुविधा थी वह कुछ ही किसानों के पास थी। इस तरह से कृषि गतिरोध हरित क्रांति के स्थायी रूप से समाप्त हो गया। फिर उसके बाद फिर उच्च पैदावार वाले किसानों के बीजों का प्रयोग से अधिकतर गेहूं, चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। बीजों के प्रयोग की पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों और निश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता थी। किसान बाजार में बेचने की जगह उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन में अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन और किसान पर्याप्त मात्रा में अपना बाजार बेच सके और उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसान द्वारा उत्पादन का वह बाजार में बेचेगा और विपरीत अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल का अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे, इसकी फलस्वरूप खाद्यान्न कीमतों में उपभोग में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई थी। इससे हरित क्रांति में यह हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुई,
किसान अपनी आवश्यकता जितनी आवश्यकता थी उतनी वह अनाज रखते थे। खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों की कीमतों में सापेक्ष कमी बहुत लाभ हुआ और हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना जिसमें खाद्यान्न कमी के समय प्रयोग किया जा रहा था। फिर सहायकी पर बहस। आजकल कृषि क्षेत्र में दी जा रही आर्थिक सहायता के आर्थिक औचित्य गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। बात तो सही, सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा सामान्य छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायकी दी जानी आवश्यक थी। किसान प्राय किसी भी नए प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं। किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायकी आवश्यक थी। ये सही है कि नई प्रौद्योगिकी किसान जब अपनाने के लिए वे जोखिमपूर्ण इसलिए समझते हैं क्योंकि उसके बारे में यदि नहीं जान रहे हैं तो उसका उपयोग कहीं ज़्यादा कर दिया तो पता चला कि जो अनाज उन्होंने बोया उससे जो जितना बीज निकलना है वह भी नहीं निकल रहा और उन्हें नुकसान हो रहा है, उसकी जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। फिर प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने के लिए उसके व्यापक प्रचलन के बाद भी सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए। इसका उद्देश्य पूरा हो गया यदि नहीं तो सहायिका का देय भी किसानों को लाभ पहुँचाना है। किंतु 1960 के दशक के अंत तक देश की कृषि उत्पादकता की वृद्धि भारत में खाद्यान्नों आत्मनिर्भर हो गया था और निश्चित ही गौरव उपलब्धि प्राप्त हुई थी। फिर 1990 तक देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी और साथ ही यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसे जैसे देश में संपन्न होता है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। 1950-90 की अवधि में यह GDP में कृषि अंशदान में भारी मात्रा में कमी आई थी। फिर यहाँ पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात में नहीं बल्कि 1950 में 67.50% थी और 90 से घटकर 64.90% हो पाई थी। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव नहीं थी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को खपा पाए और अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों में विफलता मानते हैं क्योंकि इसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई।